जानवरों में फैली लंपी नामक चमड़ी रोग ने जिथे पशु पालकों को परेशान किया होया है दहशत विच हन, उत्थे ही पंजाब के मशहूर होम्योपैथी के माहिर डॉक्टर परमजीत सिंह राणू वालों एक प्रस्तावित फार्मूला बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर राणू वालों अपनाए गए इस होम्योपैथिक दवाइया के फार्मूले के नाल लंपी नामक चमड़ी रोग से काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है और यह बीमारी जड़ तो खत्म की जा सकती है। तुहानू दस दईए कि डॉक्टर परमजीत सिंह राणू के पिता स्वर्गीय डॉक्टर सज्जन सिंह राणू जिन्हों मालवे का हैनीमन कहा जाता है अते सन 1989 तो रायकोट के होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते सन अते जिन्होंने मालवे दे विच लोकां दा होम्योपैथी विच विश्वास पैदा किया। होम्योपैथी दे नाल इंसानां दे नाल नाल जानवरों का भी मुफ्त इलाज करते सन। डॉक्टर परमजीत सिंह राणू जिहड़े कि किसी भी जान पहचान के मुहताज नहीं हन, वह अज पंजाब दे ही नहीं भारत की केंद्रीय होम्योपैथी कौंसल आयुष मंत्रालय के मैंबर रहे, पंजाब की सूबा एथिकल कमेटी के प्रधान अते पंजाब होम्योपैथी कौंसल डॉक्टरी सिक्ख्या अते खोज मंत्रालय के चेयरमैन भी रहे, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के फैकल्टी मैंबर रहे। डॉक्टर परमजीत सिंह राणू का 32 साल का होम्योपैथी विज्ञान विच तजर्बा है अते उन्हां दी धर्मपत्नी डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने भी बराबर का तजर्बा रखते हुए लोगों की सेवा दे विच कोई कसर नहीं छड्डी। हुण पिछले 4 सालों तो इन्हां दे पुत्र डॉक्टर नवजोत सिंह राणू भी परिवार के पुरखियां दे इस वडमुल्ले विज्ञानक तजर्बे नूं अगे प्रसारण च कोई कसर नहीं छड्ड रहे। जानवरों विच भार पैना, चमड़ी रोग, पोक्स वायरस, बैक्टीरियल इनफेक्शन, लंपी चमड़ी रोग, रसौलियाँ, दुध घट जाना, थणा दे विच गंढा दा बन जाना, मैस्टाइटिस, गलहीरा, मूँह खुर, जेर ना पैनी, ब्रीच पेंसटेशन, गठिया, बुखार, भुख मर जानी, नमूड़ियाँ, आंतड़ियाँ दे रोग, कुत्तियां च पारवो वर्गी खतरनाक बीमारियां दा हुण तक डॉक्टर राणू की टीम ने होम्योपैथी राही बहुत ही वधिया इलाज करके नतीजे हासिल किए हैं। पशुओं में फैली लंपी नामक बीमारी को किवें ठीक किया जा सकता है अते इस तो किवें छुटकारा पाया जा सकता है, देखो दस रहे हैं खुद डॉक्टर परमजीत सिंह राणू। आपां अज गल करते हैं लंपी डिजीज बारे जिहड़ी पशुओं के खास करके गऊं एक तपड़ी के नाम से बीमारी जिहड़ी है वो पेंडेमिक के रूप के फैल रही है और इस बीमारी का एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कोई बहुता वधिया हाले तक इलाज नहीं मिला है। मैं दसना चाहना कि होम्योपैथी ने अपनी जिहड़ी कारगरता है और अपने आप को जिहड़ा है कह लो प्रमाणित 1830 ही कर दिता सी जदों जर्मन तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर हनिंगबर्गर पंजाब दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने घोड़ों के इलाज करने वास्ते बुलाया सी और 1830 तो ही होम्योपैथी साढ़े पंजाब दे विच अपने चमत्कार वेटरनरी दे विच दिखा चुकी है। सो साड़ी जिहड़ी सरकार ने इन्हां नूं ये गल जिहड़ी है समझ लेनी चाहिए है कि जिथे किते एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ह्यूमन बीइंग्स दे विच अपनी जिहड़ी है कारगरता और अपनी जिहड़ी योग्यता है वो दिखा रहा है तो उत्थे क्यों नहीं असी होम्योपैथी नूं वेटरनरी दे विच भी उस तरह यूज़ कर। सो मेरी अपील है कि सरकार होम्योपैथी को इस पासे भी यूज़ करने जिहड़ा है उपराले करने चाहिए ने और खास करके जिहड़े वैटनरी डॉक्टर्स ने उन्होंने इहदे बारे जानकारी देनी चाहिए है। सो अज आप गल कर रहे हैं लंपी डिजीज़ बारे। होम्योपैथी के कई मेडिसिन्स ने जिन्हों का एक असी मिश्रण तैयार करके एक मेडिसिन तैयार की है और ये असी तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट हर गौशाला दे विच दे के इहदा रिजल्ट भी देखिया है कि जिथे लंपी डिजीज़ दे विच
प्रिवेंटिव तौर पर और क्यूरेटिव तौर पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट मिले ने और जोड़े पशु ने उन्होंने लंपी डिजीज के एक शरीर के उपर धप्पड़ टाइप हो जाते हैं जिदे पैप्यूल्स भी बन जाते हैं जिदा आप बड़ी माता दे कह सकते कि छाले वगू हो जाते हैं फिर वो फुटते हैं और फुट के उन्होंने हीलिंग होंगी है और इस दवाई के नाल असी देखा है कि तकरीबन जेडे बचाव वास्ते इनू एक बार अगर दे दें तो ये 15 दिन बाद अगर रिपीट कर दें तो उस जो ग्रुप होंगे जानवर का वो ये दोबारा बीमारी नज़र नहीं आती और जोड़े इफेक्टेड पशु ने उन्होंने आइसोलेट कर दिता जाए उन्होंने सैपरेट किया जाए तो उन्होंने यही दवाई जी है सुबह दोपहर शाम 3 बारी रेगूलर हफ्ता दी जाए तो उन्होंने जोड़े है जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। सो मैं आप जी दे सन्मुख ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक जी दवाई है वो तुसी साडे कोलों भी लै सकते हो या तुहाडे नज़दीक होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो उन्होंने भी पूछ के तुसी अपने पशुओं को दे सकते हो। आप देखते हैं कि गौशालावां दे विच जां लवारिस जिहड़े पशु घूमते हैं जिन्हां दा कोई वारस नहीं है उन्होंने भी प्रॉब्लम है तो तुसी ये मेडिसिन साडे कोलों भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिजा के उन्होंने दे सकते हो। एक बहुत वड्डी सेवा भी है ते नाल नाल होम्योपैथी का प्रचार भी है और जिहड़ा है गौरमेंट नूं मेरी अपील है कि अगर गौरमेंट होम्योपैथी नूं इस तरीके दे नाल प्रफुल्लित करे असी मैं बतौर प्रेजिडेंट ऑफ स्टेट एथिकल कमेटी होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च तो मैं साडी जिहड़ी काउंसिल है काउंसिल की मीटिंग च भी असी इहदे ते एक मता पाया हैगा कि गौरमेंट जिहड़ी है होम्योपैथी नूं इस दे विच यूज़ करके जिहड़ा है इस बेजवाना की जिहड़ी है वो आप सेवा करिए और उन्होंने ठीक करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद करते हैं राणी परिवार डॉक्टर का जिन्होंने कि यह दवाई का कड़ के साडे डंगरों को बहुत बहुत ज़्यादा लाभ दिता। 30 तो 35 डंगर थे साढ़े को जिन्होंने विचों कि अक्की आने वाले डंगर का फायदा करे कि इन्हों नहीं वजी आह दवाई का ट्रीटमेंट बहुत वधिया रहा और प्रिवेंटिव तौर पर बाकियों भी प्रॉब्लम नहीं आई जेडे इन के नाल रेंदे ने वो सारे ठीक रहे हैं। तो ये भाई साहब इतने ने जेडे इन की ख्याल रखते हैं पशुओं का और ये दसणगे अपने इतने जिन्हें जानवरों को आप मेडिसिन दी सी उन्होंने अगे ना फर्क है अगे ना फर्क है तो नवे जानवरों को किसी नहीं हुई नहीं नवे नहीं हुई और जेडे जानवर जिन्हें तुम दस रहे थे कि लत्तां दे विच प्रॉब्लम आ जाती है लत्तां दे बड़ा लत्तां जैसे लंग मारन लग जाते तो वह हम तकरीबन तुम पहली वीडियो में दिखाया सी कि वह जो पशु खड़ा है सामने वो बैठ गया सी उठनी थी पा रहा पर अज वो खड़ा है तो संतुष्ट हो दवाई के नाल नहीं दवाई तो वधिया है दवाई वधिया दवाई कारगिल भी है अगे नाल सारे जो दाने निकले हुए थे और दाने सारे बह गए मोड़ भर गए थैंक यू सो मच असं होर भी दवाई थोड़ा भेजा बहुत खुशी हुई है जी चलो बेजबान जोड़े ने इस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन के नाल ये तंदुरुस्त ने और आखो ए हले भी प्रॉब्लम किन्नी ये बहुत ज़्यादा सी पहला साढ़े को वीडियो नहीं है अनफॉर्चुनेटली पर यह सारी मुड़ गई है ये सारी लंपी डिजीज है ये मुड़ चुकी है।